क्या दिक्कत आ रही है जब चलती फिरती एक्टिवा हो रही आ रही है। हेलो व्हाट्सएप पीपल, दिस इज टेक्नो खान। और दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे दोस्त बोल रहे थे कि यार तुम अपनी गाड़ी के अंदर ऐसा सिस्टम करो, तब हॉर्न बजाएं तो अपना जो फोक लाइट होती है दोस्तों वो जले, और अगर हम हॉर्न ना बजाएं, अगर स्विच को हम ऑन करें तो हमारी फोग लाइट जली रहे। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे को मार्केट से एक स्विच आता है, टॉगल स्विच, वो हमारे को परचेज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों, स्विच भी ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, 30-40 रुपए का स्विच होगा, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आपको मैं स्विच दिखाता हूँ दोस्तों, वो स्विच कैसा है देखिए। दोस्तों, ये स्विच होता है, इसके अंदर 3 पिन्स होती हैं पीछे लगी हुई, जिसके अंदर हम अपने तीनों वायर कनेक्ट करेंगे। एक के अंदर दोस्तों आएगी हमारी हॉर्न की वायर, और दूसरे के अंदर हमारी आएगी फोग लाइट की, और इसके अंदर आएगी हमारी जो मेन सप्लाई होगी उसकी वायर। तो दोस्तों, देखते रहिए, और इसका मैं फ़ायदा भी आपको बताऊंगा जब हमारी वीडियो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो खान को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले व्लॉग देखने के लिए। दोस्तों, हमारे को ये फेयरिंग होता है, ये फेयरिंग खोलना है। फेयरिंग खोलने के बाद में फिर हमने इसके कनेक्शन अंदर से करने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्पेस सा होता है। अब यहाँ पर मैं इसका टॉगल स्विच लगाऊंगा, अब ये हम होल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसलिए लगाऊंगा, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम आराम से जैसे हॉर्न बजाते हैं वैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसलिए नहीं लगा रहा दोस्तों, उधर हमारा जो एक्सीलेटर है वो होगा, अगर हम वहाँ पर लगा दूंगा तो एक्सीलेटर देने में भी प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए मेरे को यहाँ लगाना सबसे अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम खोल ही लेते हैं, फेयरिंग वगैरह इसको। हाँ, तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इसके अंदर होल कर दिया है, बिल्कुल दोस्तों राउंड शेप में गोल हुआ ही है जो होल है। आप सोच रहे होगे कि मैंने इतना परफेक्ट करा कैसे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यूज़ करा एक स्क्रू ड्राइवर, थोड़ा होल करा, फिर उसके बाद में मैंने यूज़ करी एक कटी हुई सीज़र से दोस्तों इसके अंदर मैंने बढ़ाया और ऐसे घुमा दिया। तो उसके बाद में मैंने यूज़ करा एक पेपर कटर, जो हमारा बाकी का हिस्सा था मैंने उससे काट दिया है। तो चलो दोस्तों, अब आगे करा जाए। ऊपर का होल होने के बाद में बारी आती है नोज़ कवर्स की। नोज़ कवर हमने खोलना इसलिए क्योंकि इसके जो हॉर्न के वायर्स है दोस्तों वो हमारी नीचे लगी हुई है, और नीचे से हमने एक वायर लेके ऊपर स्विच तलक ले जानी है। तो दोस्तों चलो करते हैं इसको भी। एंड दोस्तों, ये है हमारा हॉर्न। अब जो हॉर्न की जो पॉजिटिव वायर है हमने उसके अंदर एक वायर इस पर लगानी है। इस पर लगाने के बाद में कम से कम ऊपर तलक हमने एक वायर लेके जानी है, ये यहाँ से यहाँ तक का। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों 1 मीटर वायर की ज़रूरत पड़ेगी, हम जो यहाँ से वहाँ तक लेके जाएंगे। तो हमने कनेक्शन यहाँ से करना है ऊपर तलक का। जब हम अपने हॉर्न प्रेस करेंगे तो हमारी फोग लाइट भी फ्लैश। मैंने कनेक्शन करके इसकी बैटरी के नीचे से ले गया दोस्तों वायर, नीचे से निकल के हुए ये मेरी इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर से फिर मेरी उधर ये वायर जो चली जाएगी। बस सिंपली ये कनेक्शन है। अब इतना होने के बाद में अब हमने इसके जो नोज़ कवर है वो लगाना है, फिर हमने ऊपर वर्क करना है, जो भी हमारा जो काम है ऊपर ही होगा। फ्रेंड्स, एक वायर मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ से मैंने इसलिए लिए दोस्तों, जब हम नॉर्मल अपने फोग लाइट जलाएंगे उसके लिए डायरेक्ट करंट हमारा स्विच में पहुँचेगा, स्विच से हम फोग लाइट जो है ऑन कर लेंगे, और हॉर्न से भी कनेक्शन कर देंगे हम अपना स्विच ऑन करते ही। और एक वायर ये हो गई और एक वहाँ पर हो गई, दो वायर्स हो गई। अब हमने लेनी है दोस्तों जो हमारी फोग लाइट की वायर है उसको लगानी है हमने। तो चलो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हो मैंने कनेक्शन से कर दिए हैं, फिलहाल आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारा फोग लाइट है, फोग लाइट का वायर हमने लिया ये बीच वाले पे टॉगल स्विच के, और जो ब्लैक वाली वायर है दोस्तों वो हमारी जाएगी इग्निशन वायर्स में, और एक जो साइड वाली वायर है दोस्तों वो हमारी हॉर्न की। अब बाइक के अंदर भी दोस्तों सेम कनेक्शन ऐसे ही होने, और सिर्फ जो याला पॉइंट होगा बाइक के अंदर वो दूसरा होगा, और आप इसको किसी हॉर्न पत्ती के ऊपर करके लगा लेना या होल होल करके जैसा आपको ठीक लगे। और चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि टेस्टिंग के लिए कैसा लग रहा है। तो चलिए वो भी करते हैं। ये करा हमने गाड़ी का इग्निशन ऑन, अब ये दोस्तों देखते हैं। हाँ, ये तो चल रहा है बहुत अच्छे से। ये अब ये स्विच है, ये हॉर्न वाली पोजीशन पर था तो इसलिए हॉर्न बज रहा था। अब मैं इसको बीच में कर दूंगा दोस्तों, ये कुछ भी काम नहीं करेगा। आप चाहते हो तो मैं ये लाइट ना जले हॉर्न पे, ये नहीं जल रही। अब मैं इसको ये देखिए राइट साइड में करूँगा, ये अपने नॉर्मल जो है
चलेगी। अब आप सोच रहे होगे अगर मैं हॉर्न बजाऊंगा तो फ्लैश करेगी, नहीं दोस्तों ये फ्लैश नहीं करेगी, ये फ्लैश नहीं कर रही है। अब इसको बंद करो और फिर दोबारा टेस्ट। दोस्तों जो भी मैं काम करता हूँ ना ये आप लोगों के नहीं करता हूँ, तो आप प्लीज़ इसको जो मेरी वीडियो है ना आप लाइक कर दिया करो, पता तो चलना चाहिए ना मेरे को कि आपको पसंद आई है कि नहीं आई, ठीक है। जो होल कर रहा था अब मैं स्विच को ऐसे करके लगा दूंगा या ऐसे करके जैसे भी ठीक लगेगा, आप भी लगा लेना। और इसके जो नट्स वगैरह हैं वो नीचे रखे हुए मैं लगाता हूँ। तो चलो दोस्तों मैं इसको फिट करने के बाद में आपको पूरा रिव्यू दूंगा इसका। तो मैंने इसकी फिटिंग सब कुछ कर दी, फेयरिंग लगा दी, मिरर्स लगा दिए, फोक लाइट्स लगा दी। अब मैं चलो इसको आपको वर्क करके दिखाता हूँ ये काम कैसे करती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोरन से। ये देखिए अभी नहीं बज रही है क्योंकि ये जो दोस्तों ये बीच में है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ से सही दिखेगा आपको। ये देखो नहीं बज रहा, अब मैं यहाँ पर करूँगा तो हॉर्न के साथ में चलेगा ये, देख पा रहे हो। अगर हम हॉर्न के साथ में ना बजाएं तो बीच में कर दो। अब हम सोचते हैं कि इसको रात में ही जलाया जाए सिर्फ, ये देखिए ये सिर्फ रात में जलेगी, अगर हम हॉर्न प्रेस करेंगे तो नहीं चलेगा ये। ये देखो प्रेस नहीं कर रही है, बस सिंपल सा ये दोस्तों, ये देखते हैं। चलो आगे से दिखाता हूँ दोस्तों। इसका बेनिफिट्स ये है, अगर आप हाईवे पे राइड कर रहे हो आप दोनों टाइम पे एक चीज़ नहीं कर सकते हो, इसलिए दोस्तों मैंने टॉगल स्विच का इस्तेमाल करा है। आप हॉर्न बजाओगे आपकी जो फॉग लाइट है वो भी डिपर करेगी, अगर हम टॉगल स्विच नहीं लगाऊंगा दोस्तों आपकी जो लाइट है वो दिन में भी जलेगी, रात में भी जलेगी, दोनों वक्त जलेगी, हॉर्न बजाओगे तब जलेगी। मतलब यार कहने का मतलब ये 24 घंटे लाइट आपकी जलती रहेगी, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग विमाग लगा के ये टॉगल स्विच ढूंढा। और टॉगल स्विच की वजह से दोस्तों हमारी जो एक्टिवा है वो हॉर्न के ऊपर चल रही है, और जो दूसरा है हमारी जो नॉर्मल पे हम जलाना चाहते हैं तो नॉर्मल पे भी जलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों ऐसी ही नई नई वीडियो लेता आता हूँ। और फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ में।